दोस्तों इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मुंह में चॉकलेट का नाम सुन के पानी ना आ जाए। चॉकलेट के स्वाद ने सबको दीवाना बना लिया है। इसकी एक बाइट बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की तड़प बढ़ा देती है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में चॉकलेट सबका फेवरेट चीज बन चुकी है। आइए जानते हैं चॉकलेट और उसके इतिहास से लेकर अब तक की सबसे बेहद मजेदार बातें। दोस्तों आप जब चॉकलेट खाते हो तो उसका टेस्ट आपको कैसा लगता है? स्वीट लगता है, कुरकुरी लगती है या फिर क्रीमी लगती है? आपको जो भी लगती हो, लेकिन आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि शुरुआत में जब पहले पहले चॉकलेट बनती थी तब वो मीठी नहीं बल्कि तीखी बना करती थी। इंडिया में चॉकलेट के दीवाने चाहे कितने भी हो, लेकिन अमेरिका में इसके दीवाने कुछ कम नहीं। चॉकलेट के लिए अपनी दीवानगी जाहिर करने के लिए हर साल 7 जुलाई को अमेरिका में चॉकलेट डे मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट चिप कुकी भी पसंद होगी। दोस्तों आपको पता है चॉकलेट चिप कुकी के आविष्कारक ने अपना आइडिया नेस्टले टोल हाउस को बेच दिया था, लेकिन बदले में कोई पैसा नहीं कमाया था। बदले में उसने पूरी जिंदगी फ्री की चॉकलेट खाई थी। शायद आपको पता होगा कि चॉकलेट बनाने के लिए आलमंड यानी कि बादाम का इस्तेमाल होता है, लेकिन पता है कितना? मैं बताता हूँ, दुनिया के 40% बादामों का उपयोग केवल चॉकलेट बनाने में हो जाता है। दोस्तों आप ये तो मानते होंगे कि चॉकलेट बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लोग चॉकलेट को पसंद करते हैं, लेकिन पता है वो कितनी खाई जाती है? हमारे देश में यानी कि इंडिया में तो ये सर्वे नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में जो सर्वे हुआ था उस मुताबिक हर सेकंड अमेरिका में तकरीबन 45 किलो चॉकलेट खाई जाती है। हर सेकंड, माइंड इट। आप में से जिन जिन को चॉकलेट पसंद होगी उन लोगों ने तरह तरह की चॉकलेट खाई होगी, अलग अलग शेप वाली चॉकलेट खाई होगी और बड़ी बड़ी चॉकलेट भी खाई होगी। लेकिन क्या आपको पता है सबसे बड़ी चॉकलेट उसका वजन क्या था? मैं बताता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट बार का वजन 5792 किलोग्राम है। दोस्तों चॉकलेट तो टेस्टी लगती है, लेकिन चॉकलेट जिसमें से बनती है यानी कि कोकोआ नाम का पेड़ होता है जिसके बीजों में से चॉकलेट बनाई जाती है, क्या आपको पता है वो कोको का स्वाद कैसा होता है? वो एकदम कड़वा होता है जिसे निर्माण के दौरान दूर करके स्वादिष्ट बनाया जाता है। दोस्तों हमारे देश में तो चॉकलेट खाने वाले लोग बहुत है, और जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका में भी चॉकलेट के दीवाने बहुत है, लेकिन क्या आपको पता है इस कैटेगरी में सबसे पहला देश कौन सा है? दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक इंसान एक साल में 8.5 किलो जितनी चॉकलेट खा जाता है, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे एक इंसान पूरे साल में 8 किलो चॉकलेट खाता है, और तीसरे स्थान पे है आयरलैंड जहाँ पे एक इंसान 7.5 किलो चॉकलेट एक साल में खा जाता है। दोस्तों चॉकलेट टेस्ट में तो स्वीट होती ही है, लेकिन उसमें कुछ ऊर्जा भी होती है, यानी कि उसमें दूध का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बादाम का इस्तेमाल, इसलिए उसमें कुछ एनर्जी भी होती है, पता है कितनी? नॉर्मली एक चॉकलेट की चिप खाने से व्यक्ति में 150 मीटर तक चलने की ऊर्जा आ जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं कि चॉकलेट आज के लोगों को ही पसंद है, चॉकलेट बहुत सालों से खाई जाती है। चॉकलेट हिटलर को भी बहुत पसंद थी, वो एक दिन में कम से कम 1 किलो चॉकलेट जरूर खा जाता था। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि चॉकलेट खाने से मुहासे यानी कि एक्ने हो जाते हैं, मगर रिसर्च में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है, तो आप बिंदास चॉकलेट खा सकते हो। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचते रहे। Thank you so much.